तरह का पारित उसमें कह देंगे आप। देखिए, लोकसभा में जो ये बिल पारित किया गया है ट्रिपल तलाक के मामले में, जो है उन लोगों को, जब ये बिल उन लोगों ने पारित किया तो हमारे तमाम ही मुस्लिम रहनुमा, जो बड़े रहनुमा हैं, जो मुसलमानों के मसाइल के ऊपर नज़र रखते हैं, उनको बिठा कर उनसे मशवरा करके जब इस बिल को पारित किया जाता है, पेश किया जाता, ताकि वो उनको राय देते कि ये बिल ठीक है या नहीं है, इससे इस्लाम के अंदर कुछ नुकसान और शरीय एतबार से कोई नुकसान पैदा होता है या नहीं है, तो ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो हमारी मुसलमानों से ये अपील है कि वो अपने जो तीन तलाक के मुद्दे को अदालत के अंदर हरगिज़ हरगिज़ ना लेके जाएं, और हमारे मुस्लिम प्रसल्ला और शरी अदालतें हैं, उसी के अंदर अपने मसले को हल कराए। क्या नाम है आपका? अध्यादेश जारी हुआ है तीन तलाक को लेकर के, अपराध माना गया है, गैर जमानती भी माना गया है, क्या आप इस कानून को मानेंगे? नहीं, देखिए, जो ऑर्डिनल आज राइज हुआ है और ये जारी किया गया है, हम उसको बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि ये जो सरकार है, सरकार ने कुछ नामो निहाद औरतों को लेकर, कुछ चंद औरतों को लेकर बहुत करोड़ों औरतों का नुकसान किया है। बल्कि सरकार का कहना है कि हम लोग तहफ़ करेंगे बच्चियों का, लड़कियों का और औरतों का, इसमें तहफ़ कहीं भी